कहते हैं दिन के हिसाब से हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहने चाहिए। जैसे कि सोमवार का दिन शिव जी का माना जाता है और इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने की बात कही जाती है, और मंगलवार के दिन सिंदूरी व नारंगी रंग के, और बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। वहीं गुरुवार के दिन आपने अक्सर लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनते हुए देखा होगा। यहाँ तक कि गुरुवार के दिन लोग भगवान को पीले रंग का फूल चढ़ाते हैं और पीले रंग की वस्तुओं का ही भोग भी लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गुरुवार के दिन पीला रंग क्यों प्रयोग किया जाता है और पीला रंग इतना महत्व क्यों है? अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के साथ देव गुरु बृहस्पति का भी दिन माना जाता है। इस दिन श्रीहरि विष्णु जी के साथ ही बृहस्पति देव की भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु भगवान के साथ बृहस्पति देव को भी पीला रंग बेहद पसंद है, और इस पीले रंग का प्रयोग आपकी किस्मत भी बदल सकता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। भगवान को भोग में पीले रंग की मिठाई या फल ही अर्पित करते हैं। पूजा में पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही गुरुवार के दिन पीले रंग की चीजों का दान करना भी फलदायी माना जाता है। ज्योतिष की माने तो गुरु ग्रह को धन, वैभव व गृहस्थी का प्रतीक माना जाता है। जब तक गुरु ग्रह की कृपा ना हो, विवाह नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हो या अच्छे जीवन साथी की तलाश हो, तो गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा करने से परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं और आपकी शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। बताते चले, भगवान विष्णु स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र ही धारण करते हैं। ऐसे में अगर आप भी गुरुवार को पीले रंग के कपड़े और पीला धातु पहनेंगे तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिल सकती है। गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनने से सेहत अच्छी रहती है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। गुरुवार के दिन जो भी इंसान भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करता है, उसके घर में किसी भी चीज की तंगी नहीं रहती। हिंदू धर्म में पीले रंग को बेहद शुभ माना जाता है। यही नहीं, शादी विवाह में पीले रंग की हल्दी लगाकर ही विवाह की रस्मों की शुरुआत होती है। शास्त्रों में पीले रंग को संपन्नता का प्रतीक बताया गया है। साथ ही पीला रंग जीवन में शुभता भी लाता है। पीला रंग मन को उत्साहित करके नकारात्मक विचारों को समाप्त करने में भी मदद करता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।